इस वक्त हम मौजूद हैं क्वेटा के फूड स्ट्रीट में। यहाँ पे लोगों का आप रश देख रहे हैं। यहाँ पे लोग अपने घरों से, दूर दराज इलाकों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे आते हैं रात के वक्त यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों से सवाल करेंगे कि क्या वो हुकूमती इकदाम से मुतमइन है, अगर नहीं तो वजह क्या है, और अगर हाँ तो कौन कौन से इकदाम हैं जिनसे वो मुतमइन है। कोरोना की दूसरी लहर जारी है और हुकूमती इकदाम के मुताबिक, हुकूमती फैसलों के मुताबिक यहाँ पे हमें SOPs को फॉलो करना लाजम है। अगर हम वो SOPs फॉलो नहीं करते तो हमें जुर्माना किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या आम आवाम ने और ये जो होटल के मालकान है, क्या ये SOPs को फॉलो कर रहे हैं। आइए चलिए। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड भी बहुत है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। यहाँ के लोगों का रवैया कैसा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत इखलाकी रवैया है इनका, सही गाइड कर रहे हैं। कोरोना के बारे में क्या है? कोरोना का तो कुछ पता नहीं है। आप लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं? जी SOPs को फॉलो कर रहे हैं। कराची में क्या हाल है? नॉर्मल है, तो सब बेहतर हो गया, स्कूल वगैरह खुल गए, मार्केटों का टाइम सेट हो गई है। जी जी, महंगाई एक तो बहुत है, महंगाई तो बस चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि कौन महंगाई का जिम्मेदार? तो किसी को ठहरा नहीं सकते, सभी अब हैं। ये यहाँ पे मोबाइल ऑर्डर का तो अभी पता नहीं, हम ग्रुप के साथ आए, ग्रुप वालों ने क्या ऑर्डर किया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। जी आप कोटा के रहिए? नहीं, हम कराची से आए हैं ट्रेवल करके। पहली दफा आए हैं? हां, फैमिली के साथ पहली बार आए हैं, मेरी वाइफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह हमको यहां का। अच्छा, यहां के लोगों के बारे में क्या कहना? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पुरखलूस लोग हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाले लोग हैं। परसेंटेज पर ये कोरोना फैला है, और अब जब वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीनेशन हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क इस वबा से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप जी बताइए, नहीं SOPs को तो इतना फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन अल्लाह की रहमत से सब अपने मान लें। महंगाई तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है गवर्नमेंट में, तो कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है हुकूमत, बहुत से इकदाम ले रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये भी कम हो जाएगा। कुछ से हम मुतमईन हैं, कुछ में इनको ज़्यादा और थोड़ी एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, थोड़ी और इकदाम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत इरफान मैडम, मैडम हम लोगों के पास बड़ा छोटा पाया होता है, उसी छोटे दाल बाट, कड़ी पकौड़ा और सबसे लोग क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैडम बस ज़्यादातर लोग जो है बड़ा छोटा पाया और उजरी, और माशाल्लाह दाल के हम लोग भी कुछ मशहूर है, छोले भी है, पर ज़्यादातर लोग जो है बड़ा छोटा पाया और उजरी जो है बड़े शौक से खाते हैं। मैडम महंगाई की वजह से काफ़ी, मतलब आप यकीन माने कि बहुत असर पड़ा मैडम, जितना इंसान झूठ बोलेगा में बस बहुत असर पड़े मैडम। मतलब मैडम के देखो इतनी महंगाई मतलब कर दिया कि आप यकीन माने हम लोगों का जो गैस का बिल आ रहा था तकरीबन 1,00,000, 1,20,000, 80,000, अभी वो गैस का बिल जो 1,80,000, 2,00,000 तक जो है पहुँच चुका है। जो भाई हम लोग मर्जी से पहले जो लेते थे 250 रुपये 300 का दाना, अभी 400-430 रुपये। दाल जो पहले हम लोग लेते थे 120-130 रुपये किलो, अभी मैडम 230-240 तक पहुँच चुकी है। अभी आप बताइए हम लोग क्या करें? आप मुझे बताइए कि इस महंगाई की वजह से आपके रेट पे भी असर पड़ा, उसकी वजह से आवाम का यहाँ पे आपके जो ग्राहक है उनके को भी असर पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, काफ़ी असर पड़ा। आप यकीन मानिए इस टाइम अब देखो 10:30 बज चुके हैं, नहीं तो इस टाइम हम लोगों की जो है दुकानदारी बिल्कुल नज़दीक होती थी। तो अभी तक हम लोगों के जगह देखो बिल्कुल आप देख सकते हैं उसी तरह हम लोगों के जो है जेब वगैरह जो है सालन की मतलब जो है भरे पड़े हैं।
जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की दूसरी वेव भी आ चुकी है, क्या आप लोग ऐसे भी फॉलो करें कोरोना जी? जी मैडम जी जी बिल्कुल, हमने अपने ग्राहकों को वगैरह को जो है दी हुई है इंशाल्लाह, ये बिल्कुल अमल कर रहे हैं हम लोग। जी सर, हम लोग मौजूद हैं क्वेटा की मशहूर फूड स्ट्रीट पे। यहाँ पे आपने लोगों के तासरात जाने कि वो महंगाई से किस कदर परेशान है। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे कारोबार में लग गए हैं क्योंकि उनको पढ़ाई में ज़्यादा विजन नज़र नहीं आ रहा शायद, या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं है, इतने वसाइल नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएँ। कैमरा मैन यासिर बलोच के साथ फिजा कमल, मशिक न्यूज़ क्वेटा।